अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू बैक न्यू ब्रांड वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी पे कि आप सेवन्थ की एमओ की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो, कि जैसे कि एक ग्रोजा हो गया, M7, AKM या MG3, ऐसी गन की आप सेंसिटिविटी कैसे बेहतर करते हैं। ओवरऑल जो मेरी सारी सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिविटी है मेरी सारी की सारी। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, जिस स्कोप की अगर आपकी अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है बस आप उसी स्कोप की लगाना। इसके बाद आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ट्रेनिंग ग्राउंड में आके आपको M7 पकड़ लेनी। M7 में आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं लगानी, और यहाँ से आके आपको स्कोप्स पकड़ लेने हैं। स्कोप पकड़ के आपको यहाँ पे आके खड़े हो जाना है 100 मीटर के फासले पर, डिस्टेंस 100 फीट होना चाहिए, और डेड ऑन से स्प्रे देनी है। कि अगर कि आपका स्कोप ऊपर जा रहा है तो आपने एडवांस एंड बेसिक सेटिंग्स में आके M7 को एक्टिव कर लेना है, और इसकी ADS की सेंसिटिविटी को +5 और जीरो ADS की सेंसिटिविटी को भी +5 करके स्प्रे देनी है। अगर कि आपका जो एम, जो आपकी स्प्रे है वो नीचे की तरफ आती है, तो आपने बेसिक सेटिंग में जाके M7 की सेटिंग को -5 और जो ADS जीरो सेंसिटिविटी है उसको भी -5 करके स्प्रे देनी है। तो ऐसे करके आप अपनी रेड डॉट की स्प्रे अच्छी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम अपने 3X की। तो आपने 3X के साथ स्प्रे देनी है। अगर कि आपका 3X की स्प्रे ऊपर की साइड जा रही है, तो आपने वैसे ही बेसिक सेटिंग में आके M7 की सेंसिटिविटी को, ADS सेंसिटिविटी को +5 और जीरो ADS सेंसिटिविटी को भी +5 करके स्प्रे देनी है। अगर आपकी स्प्रे नीचे की साइड आती है, तो आपने दोबारा से सेटिंग में जाना है, और बेसिक सेटिंग्स में जाके आपने -5 ADS सेंसिटिविटी को और जीरो ADS सेंसिटिविटी को भी -5 कर देना है 3X के को, और इसके बाद आपको स्प्रे देनी है और चेक करना है। अगर आपको किसी बात का पता नहीं चलता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं उस बात का आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, जिससे आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं किसी और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये छोटा सा TDM मैंने खेला, इन्जॉय करें। You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! No mercy! Blue team victory!